हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट वन में आप सबका स्वागत है। ये स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियो है। यहाँ पर हम स्कीम्स के डायरेक्ट स्कीम्स के अंदर जाएंगे, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं वो क्विकली देखेंगे, जिससे कि आपकी सारी स्कीम्स भी कवर हो जाए और कम से कम टाइम लगे। तो डेली हम कुछ स्कीम्स को देखेंगे। आज हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स को, और इसमें हम तीन स्कीम कवर करेंगे। एक तो पोषण अभियान, जिसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे प्रधानमंत्री शक्ति केंद्र स्कीम, और तीसरा हम देखेंगे सबला स्कीम। तो पहला है आपका पोषण अभियान, इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ये एम करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस जो बच्चों का है उनको उसको इम्प्रूव करना। बच्चे कौन से, 0 से 6 साल के बच्चे, एडोलेसेंट गर्ल्स जो होती हैं, मतलब टीनेज गर्ल्स होती हैं, उनको उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करेगा। प्रेग्नेंट वीमेन का और लैक्टेटिंग मदर्स का, इन सभी लोग, ये सारे इसके जो टारगेट ग्रुप्स हैं, इनका जो है टाइम बाउंड मैनर में इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करना है। और ये 3 साल के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है, मतलब 2017-18 से लेकर के अगले 3 साल तक ये स्कीम लागू है। ये एम करता है कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो कन्वर्ज करें, जैसे कि आंगनवाड़ी सर्विस हुआ, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जनरी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीडीएस सिस्टम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये सारी जो है स्कीम्स कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में भी सपोर्ट करती हैं। तो इन सबको कन्वर्ज करके ये जो है न्यूट्रिशन स्कीम बनाई गई है, जिसको हम पोषण अभियान कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने 200 मिलियन का जो है लोन एग्रीमेंट भी साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के लिए, जिससे कि 315 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है न्यूट्रिशन के स्टेटस को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री शक्ति केंद्र स्कीम। ये अम्ब्रेला स्कीम है जिसको हम कहते हैं, ये एक अम्ब्रेला स्कीम का पार्ट है, सॉरी अम्ब्रेला स्कीम नहीं है, अम्ब्रेला स्कीम का पार्ट है। कौन सी अम्ब्रेला स्कीम है वो जिसका ये पार्ट है? अम्ब्रेला स्कीम है मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मिशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये आपकी अम्ब्रेला स्कीम है जिसका पार्ट है प्रधानमंत्री शक्ति केंद्र, महिला शक्ति केंद्र। इसका ऑब्जेक्टिव है कि रूरल वुमेन को, मतलब गांव वाले क्षेत्र की जो वुमेन है, उनको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जिससे कि वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के मीन्स से अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकें। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम ये वन स्टॉप कन्वर्जेंस को कोशिश करती है, जिससे कि महिलाओं को, रूरल एरिया की महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट हो सके, डिजिटल लिटरेसी हो सके, हेल्थ और न्यूट्रिशन और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें उनकी जो है इम्प्रूव की जा सके। ये जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करती है डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। आपने देखा होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम है, 919 है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ये स्कीम कहीं ना कहीं कारगर है। और ये बच्चों का सर्वाइवल और प्रोटेक्शन, स्पेशली गर्ल चाइल्ड का सर्वाइवल और प्रोटेक्शन उसको एम करती है। ये इंश्योर करती है कि उनका जो बच्चों, गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो हो सके, और उनको जो है गर्ल्स जो है एम्पावर हो सकें, जिससे कि वो अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर सकें। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगी रूरल वीमेन को, जिससे कि वो गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकें अपने एंटाइटलमेंट्स लेने के लिए। मतलब कि महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो जो सुविधाएं हैं वो ले सकें, वो इस केंद्र से जो है वो डायरेक्टली संपर्क कर सकती हैं। यहाँ से जो भी एंटाइटलमेंट्स हैं वो महिलाएँ ले सकती हैं, और उनको जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है इन केंद्रों पर, और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाती है महिलाओं की। नेक्स्ट स्कीम है आपकी सबला स्कीम। ये एम करती है कि एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, जिनकी एज 11 से 18 साल की है, उनको न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और लाइफ स्किल्स प्रोवाइड की जा सके। इसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एडोलेसेंट गर्ल्स का सेल्फ डेवलपमेंट हो सके और एम्पावरमेंट हो सके, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव हो सके, उनके अंदर अवेयरनेस हो हेल्थ हाइजीन न्यूट्रिशन के लिए, और रिप्रोडक्टिव एंड सेक्शुअल हेल्थ उनकी इम्प्रूव हो सके। फिर वो उनकी जो होम बेस्ड स्किल्स होती हैं, घर चलाने की स्किल, वो इम्प्रूव की जा सके, लाइफ स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, और ये इंटीग्रेट की गई है नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। उनको वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है महिलाओं के लिए, जैसे कि सिलाई की हो गई, कढ़ाई की हो गई, ये स्किल्स भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं।
ये मेनस्ट्री, ये जो आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं उनको फॉर्मल एजुकेशन देने के लिए मेनस्ट्रीमिंग भी उनकी की जाती है। मतलब वो लड़कियां जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, अब वो वापस अगर स्कूल में जाना चाहें तो उनके लिए हैंड होल्डिंग की जाती है, मेनस्ट्रीमिंग की जाती है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, गाइडेंस दी जाती है पब्लिक सर्विसेज की, जैसे कि PHC के बारे में, CHC के बारे में, पोस्ट ऑफिस के बारे में, बैंक, पुलिस स्टेशन, जो महिला हेल्पलाइन है, ये सब की जानकारी भी उनको सप्लाई स्कीम के द्वारा दी जाती है। तो आज के जो स्कीम्स के वीडियोस में इतना ही। रोज हम ऐसे ही तीन तीन स्कीम्स देखेंगे जिससे कि हमारी सारी स्कीम्स का कवरेज हो सके प्रिलिम्स तक। सो हैव ए गुड डे एंड आई होप आप सबको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।